हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई कहानी की वीडियो जल्दी से मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास गोपनीय सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने सुना कि अनुपमा अपनी माँ का पत्र पाकर अपने मायके पहुंच जाती है और 10 साल पहले जो उसके जीवन में घटित हुआ था उसी की उधेड़ बुन में लगी हुई है। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। एकदम मेरा मन वहां से उखड़ गया। इसके बाद दीदी ने निखिल की बहू के फोटो दिखाए, गहने कपड़े दिखाए, उसकी सगाई का एल्बम दिखाया, पर मेरा मन भागो भागो करता रहा। लगा कि जो खाई हम लोगों के बीच आ गई है वह कभी नहीं बट पाएगी। शाम को लौटने लगी तो निखिल ने आवाज़ दी, अनु दीदी रुको, मैं छोड़ने चल रहा हूँ। मुझे लगा कि वह गाड़ी निकालेगा। ताऊ जी की बड़ी सी एम्बेसडर तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, दरवाजे पर एक जीप अवश्य खड़ी थी, पर निखिल पैदल ही चल पड़ा। वह इतना बदला बदला सा, इतना अजनबी सा लग रहा था कि साथ चलते संकोच हो रहा था। अनु, सड़क पर आते ही उसने कहा, दीदी क्या इस शादी से खुश हैं? क्या पता उनके मन की था कौन ले सकता है। बड़ी मुश्किल से राजी हुई हैं। मैं तो सत्याग्रह करके बैठ गया था। फिर पापा ने भी समझाया कि सारी जिंदगी मैं तो साथ नहीं दे सकता। कल को निखिल की बहू का मन कैसा हो जाए क्या पता, फिर किसका मुंह देख कर जियोगे। बड़ी मुश्किल से हाँ की उन्होंने। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप साथ चलती रही। तो तुम आती रहोगी ना रोज, उसने बड़ी आशा से पूछा। मैं? हाँ, तुम आओगी तो दीदी को जरा सहारा हो जाएगा, बेचारी एकदम अकेली पड़ गई है ना इन दिनों। बहुत मुश्किल से हाँ कर पाई मैं। गली तक छोड़कर वह मुड़ने को ही था कि मैंने कहा, घर चलो ना, दीदी के लिए एक चीज भेजनी थी। माँ निखिल आया है मुझे छोड़ने, मैंने भीतर जाकर बताया। तो माँ बदहवास सी बाहर दौड़ी आई। अंदर नहीं आएगा बेटा? माँ ने कांपते स्वर में पूछा। आऊंगा चाची, बहू को लेकर तुम्हारे पैर पड़ने जरूर आऊंगा। आज लेकिन माफ कर दो, दीदी घर पर अकेली है। माँ दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही, फिर एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा, दुष्टों ने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। और मेरे कंधे पर सिर रखकर मैं सिसक पड़ी। शादी में सिर्फ 4 ही दिन रह गए थे, बिल्कुल सादा समारोह होने को था, फिर भी काम का पहाड़ सा दिखता था और करने वाला सिर्फ निखिल। उसने मुझे पकड़ लिया था। दिन भर हम लोग लिस्ट बनाते, शॉपिंग करते, मंडप की सज्जा पर, पार्टी के मेन्यू पर गर्मा गर्म बहस करती। दीदी निर्लिप्त भाव से सारी तैयारी देखती रहती। पिछले कई सालों से घर के हिसाब किताब की वे ही मालकिन थी, इसलिए जहां फिजूल खर्ची का आभास होता हाथ रोक लेती। दोनों भाई बहनों में खूब हुज्जत होती। फिर एक दिन तो इतना उखड़ गया निखिल, आपको हमारी फजीहती करानी है तो कह दीजिए, मैं सब आइटम कैंसिल कर देता हूँ। गुस्से में आकर दीदी ने चाबियां पटक दी। निखिल बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। यह ठीक रहा, मैंने चाबी का गुच्छा उठाकर कमर में खोंस लिया और कहा, आपसे चाबी हथियाने के कई उपायों पर हम लोग विचार कर चुके हैं, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मेरी इस बात पर सभी हंस पड़े। वातावरण का तनाव एकदम कम हो गया। रोज तो मैं शाम को घर लौट जाती थी, पर शादी की पहली वाली रात मैं वहीं रह गई। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम था, दीदी से छिपाकर मैंने मेहंदी घोल रखी थी। डर लग रहा था कि वे मना कर दे, पर उन्होंने इतनी निर्लिप्तता से हाथ आगे बढ़ा दिया जैसे उनका नहीं किसी और का हाथ हो। निखिल काफ़ी देर तक बैठकर हमसे गप्पे लगाता रहा। आखिर दीदी ने ही डांटा, चलकर सो जाना, अब सुबह फिर से जल्दी उठना है। देखा अनु दीदी, इन्हें कितनी चिंता हो रही है, सुबह 6 की ट्रेन से आने वाले हैं ना वो लोग।
शैतान, दीदी ने गुस्सा तान कर कहा। निखिल बचने का अभिनय सा करता हुआ भाग गया। उसके जाते ही उस परिहास का कृत्रिम आवरण चीरकर एक मनहूस चुप्पी हम लोगों के बीच आकर बैठ गई। इतने बड़े कमरे में सिर्फ मेरी चूड़ियां खनक रही थी और वह खनक बड़ी भयानक लग रही थी। कुछ बात कीजिए ना दीदी, यूं मुंह सीकर मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तू बोल ना कुछ, मैं सुन रही हूं। क्या बोलूं, सचमुच मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोलने के लिए इस तरह से विषय टटोलने को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बात करने के लिए विषय ही नहीं मिल रहा तुझे? अच्छा, यही बता कि इस समय तुझे कैसा लग रहा है। एक ही दुल्हन को दो दो बार मेहंदी लगाते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? मैंने सींक रख दी और मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे बाबा, नाराज हो गई? बात तो करने देती नहीं, फिर कहती है कि कुछ बोलो। दीदी, एक बात कहूँ? मैंने गंभीर होकर कहा। कहो। आप अपने मन की सारी कड़वाहट यहीं छोड़ जाइए, नहीं तो न आप खुश रह पाएंगी न किसी और को खुश रख पाएंगी। क्या यह इतना सरल है न? मैं फिर गुमसुम होकर बैठ गई। बड़ी दम घोटू स्तब्धता थी, शायद दीदी भी उसे सह नहीं पाई। अनु, फिर किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूं। वही तो। क्या सोच रही हो? यही कि पिता के किए की सजा बेटी को कब तक भुगतनी होगी। एकदम तन गई दीदी। अनु, फिर यह बात कभी मत कहना। जो कुछ हुआ मेरे भाग्य का दोष था, मैं उसके लिए पापा को कभी दोष नहीं दूंगी। अपनी उम्र में उन्होंने जो किया, कितने हिंदुस्तानी लड़के उतना साहस जुटा पाते हैं? किस दिलेरी से वे जिंदगी भर जमाने से टक्कर लेते रहते हैं? नहीं अनु, उनको लेकर मेरे मन में कोई रोष नहीं, कोई मलाल नहीं है। विस्मय विमुग्ध होकर मैं उनका यह आवेश देखती रही। उनके कुछ प्रकृतिस्थ होने पर मैंने उनका हाथ फिर से अपने हाथ में लेते हुए शांत स्वर में कहा, दीदी, मैं ताऊ जी के लिए नहीं कह रही थी। तब मेरा तात्पर्य बाबू से था। कहते हुए भी शर्म आती है दीदी, पर उस रात रंग में भंग करने वाले बाबू ही थे, बाबू और दादी। मालूम है, मैंने आश्चर्य से सिर उठाकर देखा। कितनी सौम्य लग रही थी दीदी। उसी शांत स्वर में उन्होंने कहा, हमें तभी मालूम हो गया था। पापा की शहर में किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, उनका बुरा चाहने वाले यहाँ सिर्फ दो ही व्यक्ति थे। पिछली पीढ़ी का वैर चुकाने का अरमान सिर्फ उन्हीं का हो सकता था। आप ठीक कह रही हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाबू ने इतनी दौड़ धूप की थी। इतनी लगन से तो उन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं। खर्च की व्यवस्था दादी पता नहीं कहाँ से करती रही। और माँ, माँ बेचारी यही सोचती रही कि मेरे लिए वर जुटाया जा रहा है। वर जुटाया नहीं क्या तुम्हारे लिए? दीदी ने कहा और हम दोनों हंस दी, एक फीकी सी हंसी। हाँ, बापू ने बहुत तिड़कम से मेरे लिए सुख का सौदा किया था। परंतु परंतु क्या, तो खुश नहीं है अनु? मैंने एक बार उनकी ओर देखा और फिर दृष्टि झुकाते हुए कहा। खुश कैसे हुआ जाता है दीदी? बंगले से, मोटर से, कपड़ों से या गहनों से? क्या उनके जीवन में तीसरा कोई है? दूसरे तीसरे के लिए उनके पास समय ही कहाँ है? वे तो मशीन की तरह रुपया बनाने में लगे हुए हैं। रोज पासबुक में आंकड़े बढ़ते जाते हैं और मैं सोचती हूँ इतने पैसों का आखिर होगा क्या? दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है पगली, और तू है कि गरीब घर की लड़की हूं ना दीदी, इतना ज्यादा वैभव मुझे सालने लगता है। कभी मेरा मन शांति से उस वैभव का उपभोग नहीं कर पाता। कभी माँ से भी नहीं कहा है दीदी, सिर्फ तुम्हीं से यह बात कह रही हूँ। पति की प्रसिद्धि के साथ साथ उसकी हृदयहीनता की कहानियाँ भी मुझ तक पहुँचती रहती है, और तब मन पता नहीं कैसा हो जाता है। खाना खाती हूँ तो लगता है कि पता नहीं कितने लोगों ने उनकी फीस जुटाने के लिए दो जून
खाना नहीं खाया होगा, तब हर कोर गले में फंसने लगता है। शादी हुई थी ना दीदी, तब बहुत नाज था मुझे कि एक मशहूर डॉक्टर की बहू हूँ, एक कुशल सर्जन की पत्नी बनी हूँ। पर अब तो जैसे इस नाम से ही उबकाई आने लगती है। दीदी शांत भाव से सब कुछ सुन रही थी। मेरे चुप होते ही बोली, चुपचाप सहती क्यों होता, पत्नी होकर भी प्रतिकार नहीं कर सकती। यही तो मुश्किल है दीदी, साहस ही नहीं होता। तुम होती तो शायद कुछ कर सकती। अनु, मुश्किल तो यह है कि तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाती कि उस घर में तुम्हारा प्रवेश एक संयोग मात्र है, इसलिए अपने अधिकारों के प्रति तुम इतनी उदासीन हो। अनु, अधिकार कोई तुम्हारी झोली में आकर डाल नहीं जाएगा, उसे खुद हथियाना पड़ता है। दीदी शायद ठीक कह रही थी। सुबह सुबह शहनाई की मंगल ध्वनि मुझे जगा गई। हड़बड़ाकर उठ बैठी मैं। बाहर निकलते ही ताऊ जी मिल गए। जगाई बिटिया, जल्दी से तैयार होकर जरा मेहमानों की खबर ले लो। आ गए क्या वे लोग? हाँ, कब से ही। मेहमानों से मिलकर फिर जरा नीचे हॉल में भी झांक लेना, निखिल पता नहीं कैसे क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी नहा धोकर मैं मकान के नए वाले सूट की ओर भागी। बारात इस बार यहीं ठहराई गई थी। नीचे हॉल में सारे संस्कार होने थे। छोटी सी बारात थी, 5-7 पुरुष और उतनी ही लड़कियां। व्यवस्था तो सब थी ही, मुझे सिर्फ सुपरविजन करना था। 9 बजे माँ भी विद्योत्मा और तिलोत्मा को लेकर आ गई, दीदी के कॉलेज के कुछ सहयोगी भी। तब उस ओर से निश्चिंत होकर मैं दीदी के पास दौड़ी आई। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। यह क्या, आप अपने हाथ से चोटी कर रही हैं? तो क्या करूं? मुझे लगा दुल्हन का सिंगार करने का तुम्हारा उत्साह उतर गया है। अरे वाह, उतरेगा क्यों? मैं तो अपने जीजा जी को देखने गई थी। सच दीदी, टॉप पर्सनैलिटी है। फोटो देखकर तो मूड इतना खराब हो गया था। अच्छे लगे? बहुत, बातचीत से ही उनकी विद्वता झलकती है। लेकिन नाम कितना अजीब सा है ना, दयाशंकर, हमें तो आज ही पता चला। ठीक तो है, इतना सार्थक नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दीदी प्लीज, मैंने कृत्रिम कोप से आंखें तरेरी। अब जरा 5 मिनट शराफत से बैठ सकती हैं? नहीं तो मैं जूड़ा नहीं बना सकूंगी। आपके बाल संवारना हंसी खेल नहीं है। कहने को कह तो गई मैं, पर याद आया कि कभी यही बाल मेरी मुट्ठी में नहीं आते थे। अब न तो वैसी सघन केश राशि रह गई है, न वह चमक। कहीं कहीं एक आध चांदी का तार भी झलक रहा था। बच्चे आए हैं? थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा। शायद नहीं, दिखाई तो नहीं दिए। सच अनु, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मम्मी की मृत्यु के बाद निखिल कैसा बेचारा सा लगता था, वैसे ही लगते हैं। सच कह रही हूँ, सिर्फ उन बच्चों को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ की है। मैं विस्फारित नेत्रों से उनका प्रतिबिंब देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अनु, साकेत का वह गीत याद है? कौन सा? अब वे वासर बीत गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं आपकी तरह साहित्यिक नहीं हूँ, मैंने तुनक कर कहा। वे हंस दी, अपनी शांत मधुर हंसी। किंतु बाहर से सौम्य दिखने वाला उनका व्यक्तित्व कितना हटी था, यह मैंने उस दिन जाना। उनकी मेरी बार बार झड़प होती रही। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने लाल साड़ी नहीं पहनी, चेहरे पर चित्रकारी नहीं करने दी, हाथों में फूलों के गजरे लगाने से भी इनकार कर दिया। मैं अब षोड़शी दुल्हन नहीं हूँ अनु, शादी के साथ ही माँ भी बन रही हूँ। मुझे अपनी गरिमा में रहने दो। जूड़े पर वेणी भी लगाएंगी या नहीं, बता दीजिए। मैं तुनक पड़ी। लगा दो भाई। जूड़ा अब अपना कहाँ रहा, वह तो तुम्हारी कलाकृति बना हुआ है। वह मेरी ओर पीठ करके बैठ गई। अनुपमा जी, आप चुप क्यों हैं, नाराज हो गई? जी नहीं, बहुत खुश हूँ मैं, आपकी हर बात मुझे आनंद विभोर कर रही है। यही तो मुसीबत है अनु,
कल तुम ही ने तो कहा था मन की सारी कड़वाहट यहीं छोड़ जाऊं। जी कहा था और जरूर कहा था, तब यह नहीं पता था कि आपके मन में नीम का एक पूरा पेड़ उग गया है। एक अजीब सी हंसी हंसती वह, अनु जिस लड़की की बारात दरवाजे से बिन ब्याही लौट जाती है वह उस वंश को जिंदगी भर नहीं भूल पाती है। गजरे के डोरे में गांठ देते देते मेरे हाथ कांप गए। ओह दीदी क्यों कही यह बात आपने, क्या जिंदगी भर मैं भी इस दंश को भूल पाऊंगी? अनु तुम मेरे बालों में वेणी लगा रही हो तो एक बात और याद आ गई। कौन सी? उस बार शादी से पहले दिल्ली गई थी। हाँ मालूम है। एक बार सुबह सुबह बगीचे में डॉक्टर साहब टकरा गए थे। हाँ मालूम है, बताया था आपने। उन्होंने मेरी वीणा में एक पीला गुलाब लगाया था, यह भी बताया था। मैंने उत्तर नहीं दिया। उस गुलाब को मेरी वीणा में टांगते हुए उन्होंने अपने होंठ धीरे से यहाँ छुआ दिए थे। दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रख दिया। इतने साल हो गए हैं अनु, पर यह इतना भाग अब तक जल रहा है, अब तक। तो दोस्तों इसी के साथ ही यह उपन्यास यहीं ख़त्म होता है। आपको यह कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।